बढ़ते अपने दूसरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट गा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सिक्स हर्ट्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू रिड्यूस टू थ्री हर्ट्स इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज थ्री ट्वेंटी फोर हर्ट्स वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी तो बच्चों इसकी कहानी ये है सितार के दो स्ट्रिंग ए और बी ये गा नोट प्ले कर रहे थे थोड़े से आउट ऑफ ट्यून थे तो सिक्स हर्ट्स की बीट फ्रिक्वेंसी मिल रही थी तो हमने क्या किया स्ट्रिंग ए का टेंशन थोड़ा कम कर दिया और ऐसा करने पे बच्चों हमको थ्री हर्ट्स की बीट फ्रिक्वेंसी सुनाई देने पड़ी तो अगर स्ट्रिंग ए की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थ्री ट्वेंटी फोर हर्ट्स तो आपसे पूछा गया है बी स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी आप बताएं ए स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 324 ट्वेंटी हर्ट्स आपको दे रखी है आपको चाहिए स्ट्रिंग बी की फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया न्यू बी से हम इसे डिनोट करते हैं बीट फ्रीक्वेंसी सिक्स हर्ट्स थी आपकी बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज न्यू ए माइनस न्यू बी सो न्यू बी कैन आइदर बी थ्री हंड्रेड एटीन हर्ट्स और थ्री हंड्रेड थर्टी हर्ट्स चूँकि शुरू में आपको सिक्स हर्ट्स की बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी तो आप ए की फ्रीक्वेंसी से प्लस माइनस सिक्स कर लीजिए तो ये दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं थ्री हंड्रेड एटीन और थ्री हंड्रेड थर्टी नाउ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द टेंशन इन अ स्ट्रिंग दिस इज बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन तो बच्चों इस जानकारी का उपयोग करते हुए हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपने स्ट्रिंग ए का टेंशन कम कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली 324 से कम हो जानी है बट ऐसा करने पे बीट फ्रीक्वेंसी तो घट रही है अगर हम मान लें कि बी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 330 थर्टी हर्ट्स है जस्ट एज्यूम तो इनिशियल डिफरेंस 6 हर्ट्स का था अब स्ट्रिंग ए को ढीला करने के बाद नई बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्स है इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस है ए और बी की फ्रीक्वेंसी का वो 3 हर्ट्स हो जाना चाहिए बट स्ट्रिंग ए को ढीला करने पे 324 से कम वैल्यू आ रही है इसका मतलब यही हो सकता है बच्चों की थ्री थर्टी हर्ट्स तो बी की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती क्योंकि स्ट्रिंग ए को ढीला करने पे जो गैप है थ्री थर्टी और थ्री ट्वेंटी फोर के बीच में वो बढ़ जाएगा और यहाँ पे तो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है इसका मतलब यही है कि बी की फ्रीक्वेंसी ए से कम रही होगी तो उसके उसके हिसाब से तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है दैट इज़ इक्वल टू थ्री हंड्रेड एटीन हर्ट्स तो बच्चों ये बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम है इसमें आपको बस सोचना है थोड़ा सा कंसेप्चुअल एप्लीकेशन ज़्यादा है